महिमा के बड़े भैया से तो आप मिलिए और अब बारी है पिया अलबेला की पूजा यानी शीन दास के अलबेले भैया राजा से मिलने की। भाई रक्षाबंधन का त्योहार है तो हाथ में थाली तो बनती ही है और ये थाली मैं लेके जा रही हूँ मेरे भाई के पास। आज सास बहू और बेटियाँ फिर से मेरे पास आया है मेरे घर यानी कि शीन के घर यानी कि पिया अलबेला की पूजा के घर। और यहाँ है मेरा प्यारा प्यारा भाई। अब मैं तुम्हें शोहित बोलूँ या सबको बता दूँ कि मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ? ये है मेरा भाई सनी और ये आया है सीधा दिल्ली से मुंबई स्पेशली राखी सेलिब्रेट करने के लिए। आई रियली 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 वॉन्ट टू थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक ये ऐसा एक त्यौहार होता है जब भाई और बहन को साथ में रहना ही चाहिए, तो मेरे को दिल्ली से तो आना ही था, तो चलो दे फिर मनाते हैं राखी। तो सबसे पहले लगा भैया राजा के माथे पर तिलक, फिर हुई उनकी आरती और फिर शीन ने बड़े ही प्यार से बांधी अपने भाई के हाथ में राखी। संगम है सूरज कब दूर गगन से। अब राखी बन गई है और गिफ्ट्स का टाइम है। वैसे बड़ी तो मैं हूँ लेकिन मेरा छोटा भाई भी कुछ लेके आया है। हाँ, तो गिफ्ट लाना तो बहुत ही जरूरी होता है और उपहार इस महोत्सव के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, तो मैं कुछ खास तो नहीं ला पाया मेरी प्यारी बहन के लिए। और इससे खास मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरा छोटा सा भाई जिसकी इसी साल नौकरी लगी है उसने अपने बहुत ही प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, तो उसके लिए बहना ओ बहना ओ मेरी छोटा सा प्यार तो बनता है। शीन ने तो अपने भाई को राखी बांधी, लेकिन एक मिनट दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। बहन के बाद भैया राजा बांध रहे हैं अपने बहना को राखी। तुझको पहनाऊं चांद तारों का गहना, बहना ओ बहना। राखी बांधी है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। लो मुंह मीठा करो। आजकल तो अब ये ज़माना आ गया है कि आपकी बहन ही आपकी रक्षा करती है, तो ये तो मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन थोड़ी नटखट तो है ही मेरी बहन, बट लाइक ये पक्का पक्का से सुरक्षा करेंगे मेरी।